उतनी रहेगी। क्वेश्चन नंबर थ्री में कह रहा है द डिफरेंस ऑन द ट्रायल बैलेंस इज एंटर्ड ऑन अ सस्पेंस अकाउंट। बिल्कुल सही किया आपने, यही करते हैं। पेमेंट ऑफ 112 फॉर जनरल एक्सपेंसेस हैव बीन इनकरेक्टली हैव बीन करेक्टली एंटर्ड इन द कैश बुक बट पोस्टेड इन एरर टू द क्रेडिट साइड ऑफ जनरल एक्सपेंस। यार बताओ, जनरल एक्सपेंस है, एक्सपेंस तो डेबिट होना चाहिए, लेकिन हमने एक्सपेंस को भी क्रेडिट कर दिया। कैश बुक को तो करेक्ट साइड पे लिखा है, करेक्ट मतलब बैंक को तो क्रेडिट करना चाहिए था, लेकिन जनरल एक्सपेंस डेबिट होना चाहिए था, हमने जनरल एक्सपेंस को भी क्या कर दिया, क्रेडिट। अब जनरल एक्सपेंस को अगर हम एक दफ़ा डेबिट करेंगे तो पुराना क्रेडिट और ये वाला डेबिट तो कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब जनरल एक्सपेंस को डबल अमाउंट से डेबिट करेंगे, तो 112 के बजाय 224 से जनरल एक्सपेंस डेबिट, और जहाँ कुछ नहीं आएगा वहाँ पर सस्पेंस। बताएं बैंक क्यों नहीं आएगा क्रेडिट साइड पे, क्योंकि कैश बुक में एंट्री गई है सही, करेक्टली एंटर्ड इन द कैश बुक, मतलब कैश बुक में कोई एरर नहीं है, एरर सिर्फ कहाँ पे, जनरल एक्सपेंस अकाउंट। तो सी आंसर आएगा भाई, जनरल एक्सपेंस को डबल अमाउंट से डेबिट और सस्पेंस अकाउंट को डबल अमाउंट से क्रेडिट।